तो गाइस यार, अभी तक की कहानी में आप लोगों ने देखा कि एक एक करके हमारे सारे के सारे सुपर हीरोज को मैं बड़ा करता गया और उनके सूट्स देता गया। पर यार वहीं पर भाई इविल ग्रैनी को पता लग गया कि हमारे पास कोई ऐसी मशीन है जिससे हम अपने सूट्स को बड़ा कर लेते हैं। यार उसने वो मशीन मुझसे धोखे से चुरा ली और उसके बाद उसने अपने सभी साथियों को बड़ा कर लिया। और अब आगे देख ग्रैनी, मेरी बात मान ले, आराम से मेरी मशीन वो वापस कर दे, वरना तू देख लियो हम 5 लोग है और तुम्हारी चटनी बना दे और हमारा सिंचाई तो देख कितना बड़ा है। मैं भी बहुत बड़ा हूँ। अले ग्रैनी, मेरी बात मानो, मानने लगे तो पता भी नहीं चलेगा कहाँ कहाँ मालेंगे अपन लोगों को। ग्रैनी तुझे पता नहीं, हम अभी 5 है, हमारे पास फ्लैश भी है, हमारे पास सोनिक भी है और भाई सब हम 7 जने और तुम्हारी चटनी बना सकते हैं हम लोग। ग्रैनी ये सही बोल रहा है, अभी भागने में भलाई है और दोस्तों को इकट्ठा करके सभी एवेंजर्स को मार डालेंगे। तुम एकदम सही कह रहे हो चूचू चार्ल्स, चलो अभी लड़ाई नहीं करते हैं, इनको बाद में मारेंगे, मेरे पास एक प्लान है, चलो मेरे साथ। उसमें इनको हम छोड़ेंगे नहीं, हमारा पलड़ा भारी है। अब भारी तो, पर ये गए कहाँ पर? लगता है डर के मारे भाग गए। ओए डसलूंगा, हाँ टोनी शार्क का मुंह देख के भाग गए वो लोग। अगर अब की बार तुमने मेरे को टोनी शार्क कहा तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, हल्क भी मारेगा। अरे 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 अरे, तुम लोग लड़ाई करना बंद करो, अब वो लोग कहाँ पर चले गए? उनके पास अभी भी मेरी मशीन है यार, उनको हमें कैसे करके पकड़ना होगा, वरना पता नहीं वो मेरी मशीन के साथ क्या करने वाले। तो गाइस यार, हमें ग्रैनी को ढूंढना होगा किसी भी हाल में। हाँ सुमित भैया, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, हमें उन्हें ढूंढना होगा। चलो सभी लोग अपने सूट्स में से बाहर आ जाओ। हाँ तो कमांडो, मेरी बात ध्यान से सुनो, अभी ग्रैनी के पास हमारी वो मशीन है, पर फिलहाल हमारी टीम ज्यादा ताकतवर है क्योंकि हमारे पास ज्यादा सूट्स है, हमारे पास 7-8 सूट है और उनके पास सिर्फ 3 सूट है। पर ज्यादा खुश होने की बात ये नहीं है क्योंकि वो लोग अपनी टीम को बढ़ाने की कोशिश करेंगे जब भी वो यहाँ से भागे। तो आयरन मैन, सिंचैन, वेनम, हल्क, स्पाइडरमैन, अरे तू यहाँ क्या कर रहा है और तेरा सूट्स कहाँ पर है? आइला यार, मैं उसे लेके नहीं आया, घर पर छोड़ दिया है पार्किंग में लगा के। अबे यार उन चीजों को साथ में लेके चला करो क्योंकि अब हमारे ऊपर खतरा मंडरा रहा है। ग्रैनी को हमारी मशीन मिल चुकी है और उसके पास भी सूट्स है, वो कोई ना कोई चाल जरूर खेलेगी। अगर वो कोई चाल खेलेगी तो हमें उसका डट के सामना करना है। हाँ दोस्तों, हमें उसका डट के सामना करना है। तो यार तुम लोग भी हमारे साथ जुड़ जाओ जल्दी से यार, वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बोलो सुमित ओपी आर्मी, ओपी तुम सब हमारी आर्मी में हो। चलो सुमित भैया चलते हैं, हल्क मारेगा, हल्क फोड़ेगा। तो चलो चौकर ना रहो, उन्हें हम छोड़ेंगे नहीं। हम उन्हें छोड़ेंगे नहीं, अला नहीं छोड़ेंगे। ओए वैनम तो डस लेगा। ग्रैनी तेरी खैर नहीं। अले ग्रैनी, यहाँ पर हमें क्यों लेके आई हो? मेरे पास एक खतरनाक वाला प्लान है। अले तेला प्लान तो मेता गतिया होता है, और तू तू ताल को कहाँ थो दिया ही? चूचू चार्ल्स बहुत ज्यादा बड़ा है, अगर वो यहाँ पर आया तो उसे कोई देख लेगा और हम अपने सूट में से बाहर आ सकते हैं। अले मेला सूट सुरक्षित तो है ना? अरे मैंने उसको जादुई शक्तियों से गायब कर दिया है, जब हमें उसकी जरूरत पड़ेगी हम उसे वापस मंगा लेंगे। अले वैसे तू यहाँ पर क्या करने आई है, यहाँ पर हमें क्या मिलने वाला है? देखो ये है एक जादुई गुफा और अब मैं जगाने वाली हूँ। क्या अपने पापा को जगाऊ दी? अरे नहीं मूर्ख, मैं असल में टाइटंस को जगाने आई हूँ। अले क्या? अले वही टाइटन जिन्होंने दुनिया तो बनाया है? शाबाश, तुमने बिल्कुल सही सुना, पर मैं असल में बुरे टाइटंस को जिंदा करूंगी जो हमारी मदद करेंगे इन सभी एवेंजर्स को मारने में, और वो एवेंजर्स बहुत ज्यादा ताकतवर होंगे। चलो जगाते हैं, यहाँ पर मुझे एक जादुई स्कल रखना है, ये रहा वो स्कल। अले ये तो काला स्कल है, इसे भागो। अरे भागो मत, अब बस हमें एक मंत्र बोलना है। तेरी शक्तियाँ काली काली, कहाँ है मेरे जानी बाहर राजा। किसने मुझे जगाया? मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। किसकी जरूरत हुई माफिया टाइटन को जगाने की? मेरे सरताज, मैंने आपको जगाया है, आपकी क्रोध अग्नि की मुझे जरूरत है। ये धरती के ऊपर अच्छाई कुछ ज्यादा ही हो चुकी है, हमें उसे मिटाना होगा। मेरा नाम है ग्रैनी और मैं भूतिया टोली की सरताज हूँ। तुमने माफिया टाइटन को जगाया अच्छाई को मिटाने के लिए, तुम्हारा शुक्रिया। अच्छे टाइटन्स ने मुझे मिलके इस पहाड़ के अंदर कैद कर दिया था,
पर तुमने मेरा स्कल ढूंढकर मुझे वापस जिंदा कर दिया। बताओ क्या करना है मुझे? हमें असल में अच्छाई के दूत को मारना है। अवेंजर्स है हमारे शिकार। अवेंजर्स? ये कौन है? अवेंजर्स है जो मेरे हर प्लान को नाकाम कर देते हैं। मैं चाहती हूँ आप उन्हें तबाह कर दीजिए, बाकी कुछ तो मैं खुद ही देख लूंगी। तो जाओ उन अवेंजर्स को पकड़ के लाओ, मैं उनकी बोटी बोटी कर दूंगा, बस मेरे पास लाओ। जैसा कहा आपने सरताज। अले ग्लैनी, मतलब हम लोग अब बलि का बकला बलेंगे? हाँ ऐसा ही कुछ, बस हमें अवेंजर्स को यहाँ पर लेके आना है और बाकी काम ये माफिया टाइटन कर देंगे। ये ग्लैनी है ना ग्लैनी, हमें था मिले था टाइम तर देती है। तो जीते पहले तली थी थात में तलेंदे अवेंजर ते दल पल अमुदा तेला भेज लियो लो दो तो बुला देती लिए वो मेरे तो माले दे पल तातलू नहीं दया तो तलेनी माले दी तलो दो तो मैं तलता हूँ। आया इन लो दो तो बुलातर आया अवेंजर, अवेंजर दे तो तुम्हारा दुत बना दिया, तुम लो दो तो माले दा, तुम तो इतनी को भी नहीं तो देता। ओए डस लूंगा, ये तो सायरन है डेक, खुद ही हमारे पास मरने आया है। चलो अवेंजर सभी लोग अपने सूट्स पहन लो, हम इस सायरनेड्स की पुंगी बजा देंगे, जल्दी सारे सूट पहन लो। अले बादो अवेंजर मेले पीछे पत गए, जल्दी बादो आदो थाले के थाले मेले पीछे, सबको मलवा दूंगा मैं, किसी तो भी नहीं तोड़ दूंगा। बात अब ग्लैनी तैयार हो, वो माफिया टाइटन के तात इन लो दो तो हम तोड़ने वाले नहीं है, जल्दी आ दो मेरे पीते, जल्दी आ दो, जल्दी आ दो। अले भागो, अले ताले के ताले अवेंजर मिले पीते पत गए, अले तोनी तात मिला पीता तो दो, मुझे दाना पदे दा दली थी, मैं आला उन दलैनी थाले प्लान तैयार लतना, थाले ते ताले अवेंजर मेले पीते पते हैं, भादो जल्दी भादो, जल्दी जल्दी भादो, मालेंगे पतक के अगल मेले इनका हाथ में आ दिया तो जल्दी जल्दी भागता हूँ जल्दी। अले लो तालो को मैं पतल के लिए आया, लो मालो इनको, ये ले ताले के ताले अवेंजर हल्के से मारेगा। लो माफिया टाइटन में तबको पकड़ लिया, इन तबको माल डालो, जल्दी माल दो। शाबाश शाबाश, तुम सभी को पकड़ लाए, शाबाश। लोग लैनी तबको पकड़ लाया। आइला अब कहाँ जाएगा, कहाँ भागेगा सायरनेड, अब कहाँ भागेगा? हल किसकी चटनी बना देगा, भाग कहाँ भागेगा अब? अले मैं तो अपनी जगह पर आ गया, अब तुम लोग कहाँ दाओगे? आखिर ये क्या बात कर रही है, कौन सा जाल? क्या ये लोग हैं जिनको मुझे तबाह करना है? हाँ माफिया टाइटन, आपने बिल्कुल सही समझा है। अला इतना बड़ा, अरे मैया यू का है? आखिर ये सब क्या है, ये क्या चीज है? हल्की से भी नहीं छोड़ेगा, हल्की से तबाह कर देगा। ओए वेनम डस लेगा। बहुत सुन ली तुम लोगों की, अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। अब तुम लोग मरने के लिए तैयार हो जाओ, ये लो मेरा फायर बोल। ये लो तुम सब मरोगे, ये लो। अला, बचाओ, बचाओ अभी, कोई तो बचाओ। हल्क को ये मार रहा है, हल्क को बचाओ। ये लो। यही थे वो अवेंजर्स, एक सेकंड भी मेरे आगे टिक नहीं पाए। सारे के सारे अवेंजर्स मर चुके हैं। अले ग्लैनी तुम्हारा प्लान तो काम कर गया, तुम तो बहुत ज्यादा थातिल लीतली। आला बहुत बुरा मारा, हमारे सारे के सारे सूट्स तबाह हो गए। आला मुझे सुमित को बताना होगा जाकर, और दानिश डाक वैनम और इन लोगों को क्या हो गया पता नहीं, वो लोग कहाँ चले गए। मैं अपने सूट में से बाहर निकल गया था इसलिए शायद मैं जिंदा बच गया, वो लोग शायद बच गए। मुझे सुमित को सारी की सारी बातें बचानी पड़ेगी। अला अला जल्दी जाता हूँ। सुमित, अला सुमित मेरी बात सुनो, सुमित कहाँ पर हो तुम? अला क्या हो गया स्पाइडरमैन तेरे को? अरे क्या हो गया तेरे को स्पाइडरमैन? अला क्या बताऊँ तुम लोगों को, सारे के सारे अवेंजर्स मारे गए। क्या कह रहा है, ये कैसे क्या हो गया? अला उस ग्रैनी ने हमें अपने झांसे में फंसा कर एक जगह ले गई, और वहाँ पर उसने बहुत बड़ा कुछ बुला रखा था, उसने सभी अवेंजर्स को मार डाला। मैं बार बार बचाऊ और मैं भी मर जाता, मैं अपने सूट में से बाहर निकल गया था इसलिए मैं बच गया। सुन रहे, ये क्या कह रहा है, क्या हो गया सारे अवेंजर्स को? यार ये सब क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अला
जाओ पहाड़ी के पास, देखो तुम्हें एक चीज नजर आएगी, वो बहुत ज्यादा बड़ी है। एक काम कर सिंचैन, तू यहीं पर रहियो ठीक है, स्पाइडरमैन का ध्यान रखियो, मैं देख के आता हूँ। आखिर इस ग्रैनी ने आखिर किसको बुला लिया भाई, आखिर ये सब क्या चल रहा है, मुझे यार जल्दी जाके देखना होगा भाई क्या चल रहा है। अरे कोई गाड़ी नहीं है मेरे पास, जल्दी जाता हूँ। तो गाइस यार अभी तुम्हारा भाई फुल स्पीड में जा रहे हैं, देखने आखिर ग्रैनी ने क्या बुला लिया और बाकी एवेंजर्स के साथ क्या हो गया। ओ भाई साहब ये क्या चीज है, कितनी ज्यादा बड़ी है यार, आखिर ग्रैनी ने अपनी काली शक्ति ये किसको बुला लिया। अगर मैं आगे गया क्या पता ये मुझे भी तपा कर दे, शायद मुझे आगे नहीं जाना चाहिए यार, मुझे कुछ ना कुछ सोचना होगा, आखिर एवेंजर्स को हम लोग कैसे वापस लेके आएंगे, आखिर ये सब क्या चल रहा है। तो गाइस अगर आप लोग चाहते हो कि इस वीडियो का मैं सेकंड पार्ट लेके आऊं तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और हम इसको छोड़ने वाले नहीं है। आई होप आपको आज वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और गाइस हम मिलेंगे ऐसे कोई नए गेम प्ले में, जब तक के लिए सायोनारा।